एंड यूनाइटेड क्लब के साथ, और आज हम जाएंगे कल्पना नगर। कल्पना नगर यार जो लोकेशन है वो बहुत प्यारी है, मतलब ये मान लो कि यार सस्ता जैसर मेल आपको जयपुर में देखने को मिल जाएगा। आज राइड पे यार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास स्पेशल बाइक जो है वो आई है कावासाकी निंजा 650। यार उस गाड़ी का भी यार एक अलग ही तूफान है यार, मान इन द सेंस कि यार वो एक अपने आप में एक तूफान है, तो उसकी भी अपन एक बार राइड वगैरह लेंगे, टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। बस आज जो लीड है वो कर रहे हैं शिवम भैया, और पीछे मैं संभाल रहा हूँ। आज की जो राइड है यार उसमें यार मज़ा आने वाला है। अब यार देखो मैं भी कल्पना नगर पहली बार ही जा रहा हूँ, वैसे यार बहुत मतलब वीडियोस वगैरह भी वहाँ की बहुत देखी हुई है, लोकेशन बहुत प्यारी है वहाँ पे, तो यार सस्ता जैसर महल बोल सकते हैं उसको अगर अभी ट्रेडिंग वाली अगर भाषा में बात करते हैं तो। बाकी चल के देखते हैं कैसी लोकेशन है, क्या है, मज़ा आएगा नहीं आएगा वो यार वहाँ पे जाने के बाद पता पड़ेगा। और वहाँ पे यार गाइस ऑफ रोडिंग भी है, तो थोड़ी सी शायद दिक्कत हो सकती है अपनी बाइक को, क्योंकि यार ट्रेडिंग वाली बाइक है ऑफ रोडिंग के लिए तो बनी ही नहीं है उनके लिए। फिर यार नेकेड बाइक्स हो या हिमालयन वगैरह हो तो यार थोड़ा सा मज़ा आता है ऑफ रोडिंग करने में। बट यार आपको तो पता ही है यार आपका भाई तो R5 को कहीं पर भी ले जा सकता है, बाकी ट्राई करेंगे। गाइस हम लोकेशन पे आ गए हैं, अब यहाँ से करनी पड़ेगी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ से मेरी गाड़ी जाएगी ऊपर। अरे यार तो गाइस ये है जगह, कतई हैवी ड्राइवर हो रखे हैं यहाँ पे। मतलब यार अपन ने सांबर में यार गाड़ी चढ़ा दी है तो फिर भी मिट्टी है। वो देखो वो देखो निंजा 650 को ऊपर चढ़ाने की कोशिश, और वो अटक गई। मतलब कहते ही यार क्या ही बोले आज की ऑफ रोडिंग का। सुमित भैया भी मतलब हो चुके हैं, उन्होंने हालांकि हाल कर दिया था मेरा भी ख़राब, तो उनके साथ भी यही सीन हो चुका है। तो गाइस मैं गाड़ी को ऊपर चढ़ा के मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट ऊपर ही,
क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है टाइम लगेगा ऊपर ले जाने में गाड़ी को। तो गाइस अभी हिमालयन का आप हाल देख सकते हैं, हिमालयन भी नहीं चढ़ी ऊपर, तो मुझे लग नहीं था कि मेरी भी गाड़ी चढ़ेगी। मजा आ रहा है, मजा वीडियो बना रहा है। मतलब गाड़ी तो ऊपर नहीं जा रही, तो मुझे लग रहा है कि यार मैं यहाँ से ऊपर ले जा सकता हूँ, बट अब देखते हैं अगर 650 जा सकती है तो ठीक है, नहीं तो अपन यहाँ से ट्राई करते हैं। मैं भी शायद ऊपर चल जाए अपनी गाड़ी, बट पहले अपन यहाँ से ट्राई करेंगे, अगर यहाँ से चढ़ती है तो ठीक है, ना तो फिर अपन यहाँ से ही चढ़ाएंगे। देखते हैं अब क्या होता है, कुछ पता नहीं है उसका, तो बस पीछे का टायर घूम रहा है, बर्न आउट हो रही है गाड़ी, आप देख सकते हैं भयंकर तरीके से। मतलब यहाँ पे इतनी मिट्टी है कि मेरी गाड़ी बिना स्टैंड के खड़ी हो गई यार, बिना स्टैंड के मेरी गाड़ी खड़ी हो चुकी है। पीछे नहीं होगी है, अटक गई। अरे बिना स्टैंड की गाड़ी खड़ी है, मतलब मेरे को मजबूरी में पीछे करनी पड़ेगी गाड़ी। मतलब भाई कतई बर्नआउट हो रहा है, और यार मेरे को तो मतलब मेरी गाड़ी देख के ताजुब हो रहा है यार, मेरी गाड़ी नीचे से वहां तक ऊपर तक आ गई और बिना स्टैंड की खड़ी है। मतलब यहाँ पे इतनी मिट्टी है, अब देख लो, और अभी अपन ऊपर लेके जाएंगे इसको, कोई गाड़ी जाए ना जाए अपनी R15 जरूर जाएगी ऊपर। तो गाइस फाइनली अपनी जो बाइक है वो ऊपर आ चुकी है, बहुत यार मेहनत लगी इसको ऊपर आने में। यार जब हिमालयन जैसी गाड़ी में ही हमने 3 बंदे लगवाए, तो हमारी गाड़ी में यार 4 बंदे लगवाना तो ज़रूरी था ही। तो फाइनल ऊपर तो पहुंच चुकी है ये, मतलब यार इसने बहुत साथ दिया है, आज नहीं वैसे भी बहुत बढ़िया गाड़ी है यार, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ मैं इस गाड़ी को। टायर आप देख सकते हैं, टायर मेरे को थोड़े टाइम बाद चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो गाइस चलो अब देखते हैं लोकेशन जाके कि कैसी लोकेशन है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और पीछे की साइड हमारा क्लब, आप देख सकते हैं किस तरह की लोकेशन है यहाँ पे, और लोकेशन गाइस बहुत प्यारी है। और बाइक जो है वो हमने थोड़ा सा पीछे खड़ी कर दी, क्योंकि ऊपर आने की जगह नहीं थी, ऊपर लाने में भी हमारी थोड़ी सी हालत टाइट हो गई, क्योंकि यार हिमालयन बाइक भी अटक गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो रेत है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो गाइस मैं आपको यहाँ के जो लोकेशन है वो लोकेशन दिखा देता हूँ कि कैसी लोकेशन है, और ये टोटली यार ऑफ रोडिंग के लिए, बाइक्स के लिए यार थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ऊपर आने में, बट फिर भी अपने RK व्लॉग्स भाई जो है वो NS ऊपर लिया है, आप जैसे पीछे की साइड देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको अब यहाँ की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो गाइस ये लोकेशन है, ये पूरी की पूरी रेत है, आप देख सकते हैं। ये अपने कुछ सामान वगैरह पड़ा, ये हेलमेट पड़े, ये जैकेट पड़े, यहाँ पे अपन ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी थी, तो कचरा जो है वो अपन ने बोतल के अंदर ही डाल दिया। तो गाइस ये लोकेशन है, आप लोकेशन देख सकते हैं, और ये हमारा क्लब, ये हमारे डॉक्टर रजत। और गाइस जो बाइक है वो विदाउट स्टैंड पे है। तो गाइस आप देख सकते हैं अब कि यहाँ पे कितनी रेत है, और हमने सारा कचरा भी साथ लिया, और जो कचरा है वो अपन ने जैसे मैंने आपको बताया बोतल के अंदर हमने पूरा फिट कर दिया था। ये बोतल के अंदर अपन ने पूरा कचरा डाल दिया है, शिव भैया है, इन शिव भैया ने पूरा कचरा डाला है इस बोतल के अंदर। ये सुमित भैया, इनसे तो आप पहले मिल ही चुके हैं, फॉक्सलैंड यूनाइटेड क्लब, फॉक्सलैंड यूनाइटेड ऑफिशियल पे, वो देखो वो देखो वो देखो गाइस, NS को ऊपर आने की मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन है, पूरी गाड़ी ऊपर ही लिया है। अरे आगे चल बनो, चल बनो बस, थोड़ा उठ जा, झंडा उठ बजे देना चालू करना भाई। लोकेशन बहुत प्यारी लोकेशन है, अगर आपको प्री वेडिंग शूट्स वगैरह करवाने हैं, फोटो शूट्स वगैरह कराने हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत बढ़िया लोकेशन है। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, चल जाएगी तो दबा, अटक जाएगी भाई, स्टंट मारेगी। ये RK व्लॉग्स हैं,
इनका जो चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे कर दूंगा। ये फॉक्स लाइन यूनाइटेड क्लब के एडमिन है। इसीलिए तुझे व्लॉग में नहीं लेता मैं, इसीलिए नहीं लेता मैं। हम इनके पर्सनल एआई भी इंट्रोडक्शन हो गया भाई। ये फॉक्स लाइन भी है साथ में, फॉक्स लाइन साथ में। तो गाइस वीडियो कर देते यहीं एंड। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। और गाइस पास बेल आइकन आ रहा होगा उसको दबाओ, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ड्राइव, सेफ राइड एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। बाय।